हे हेलो इरफान वेलकम गाइस एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे, दे देंगे सारे लोग कि सभी को ऑडियो वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से लाइव जा रही है नहीं गिव मी अ सेकेंड एंड ठीक है ऑल गुड ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सभी को प्रॉपर तरीके से और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो है टीवी ये थोड़ा काम नहीं कर रहा है अभी पता नहीं क्यों कोई बात नहीं अपन टाइम से पहले आ गए ना वापस स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को जल्दी जल्दी साइल की वह सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास जो है वो सभी के पास पहुंच जाएगी और सारे लोग जो हैं वो सेशन में फटाफट फड़ तरीके से आ जाएंगे सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरी और आप लोगों को पता है कि फिलहाल इस वक्त के टाइम पीरियड पर हमारा एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जो है ये आप लोगों के लिए आता है वैसे तो आप लोग का प्यारा सा सेशन लेके दिव्या मैम हमेशा आती रहती है लेकिन रात के नौ बजे वाला जो भी कैमिटीज का सेशन हो रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी सेशंस की तरह ही यस yes, मैम और तुम लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है राइट गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अब जाके मुझे तुम लोग के चैट्स दिखे पता नहीं जब तक नहीं दिख रहे होते तो मुझे ऐसा लग रहा होता कि शायद सेशन जो है ये लाइव नहीं है ओके गाइज़ वेलकम टू दी क्लास स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को साढ़े तीन बजे आपकी मास्टर क्लास होती है ज्वाइन करना भूलेंगे नहीं उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टेलीग्राम का चैनल है तो बाकी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलती है कि मैम क्लासेस कब होने वाली है पी आप, वगैरह वो आपको सब यही मिलता है ठीक है जब मैम टेक्स्ट बुक चलो भाई सारे लोग रेडी हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक बार जल्दी से लिख दो यस मैम फटाफट से मैम आप फिर दस करोड़ कब दोगे बस बेटा कल दे दूंगी तुम्हारे दस करोड़ रुपए कल क्या आज आ जाओ आज, आज दे दो तुम्हारे दस करोड़ रुपए तुम्हारे देखो क्या कह रहा है पहला विष्णु टेम्पल जो है क्या बोला गया सबसे पहला विष्णु टेम्पल जो है जो आपकी अंग्रकोट में बनाया गया था अंगोर वट में जो बनाया गया था कंबोडिया में ये किसके द्वारा बनाया गया था आप मुझे ये बताइएगा अभी मैंने टीवी खोला मैंने टीवी ऑन किया मुझे एक दिख रही थी अपनी क्लास यूट्यूब पे है ना एम की क्लास लगी वो दिख रही थी इसमें वाचिंग दिखा रहा है और ठीक उसके बाजू में मेरी एक शॉट्स शॉर्ट वीडियो दिख रही है जिसे मिलियन में व्यूज़ दिखा रहे हैं और इधर मेरी क्लास दिखा रही है जिसमें ये हमारे प्यारे से बच्चे जो हैं ये दिख रहे हैं मुझे है ना बेचारे धीरे धीरे सो उठ के आते आते टटोलते टटोलते दिव्यांग की क्लास कहाँ है किधर है थोड़ा घूमते घूमते देखते देखते फाइनली तुम लोग आ ही गए हो है ना बहुत बढ़िया भाई तो क्या कहा मैम सूर्य सेकंड जो है ये इनके द्वारा बनाया गया था ये सवाल हमने इसे पहले भी कर रखा है है ना आगे देखिएगा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या है पुष्पा फ्लावर समझे क्या मैं फायर हूं बताओ जल्दी से ओ हैप्पी बर्थडे राश्री। हैप्पी बर्थडे बच्चा जाओ आराम से अपना बर्थडे वगैरह अटेंड करो फटाफट तरीके से क्या कमल बोले तो कमल अब ये मत कहते ना कि मैम आप पार्टी का प्रचार कर रही हैं है ना कमल बोले तो लोटस बहुत बेहतरीन अगले सवाल पे आइएगा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में देखो आज भली चीजें एक हो गई हैं आज भली चीजों को आपको मीनिंग अलग अलग दिखाई देने लगा है आज आपको लगता है काइंड ऑफ द सिमिलर थिंग बट पहले अलग अलग चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो आप मुझे इतना बताइएगा कि ये जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था किस एक्ट के तहत आपका ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो अगर आपको ध्यान हो कि मैम नाइनटीन के जरिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था है ना इसके बारे में आपको पता है कि 1934 में दिस वॉज द डे 1934 का वो टाइम है जब सबसे पहली बार मांग करी गई थी किस चीज़ की अपने संविधान की जब मांग करी गई थी किसकी संविधान की 1934 में और उस 1934 में संविधान के मांग के बाद जो आगे की तरफ आपको पुट फॉरवर्ड किया गया दैट वाज अ 1935 दिस एक्ट नेक्स्ट वन ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है कोई बता सकता है इसका जवाब एनीवन जिसको जवाब पता हो इसका मुझे लगता है कि काफी लोग जो हैं ये हिंट से बता देंगे कि मैम ये कौन लेके आए होंगे हरिजन सेवक संघ है तो हरी के जन किसने कहा था कि तुम लोग क्या हो हरि के जन हो ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे कुछ याद आया तुम लोगों को ये जो जो के जन बातें कही गई थी किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा किसके द्वारा मैम महात्मा गांधी के द्वारा वेरी गुड एंटी ट्रेड वेंट के नाम से कौन सा जाना जाता है मतलब कौन सी हवाएं जो है एंटी ट्रेंड वेंट के नाम से जानी जाती है अब भाई ये तो ट्रेड वेंड है अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेड जो भी चीज़ ट्रेंड से बाहर मतलब हम लोग सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ें ट्रेंड से बाहर वाली प्रैक्टिस नहीं करना चाहता जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही होती है उसकी तरफ ध्यान देता है साइक्लोन ओके okay. वेस्टलाइज साइक्लोन ये दो मुझे जवाब मिले हैं मैक्सिम बच्चों के जवाब जो है वो ये हैं वेस्टलाइज हैं और पश्चिमी हवाएं जो भी बोल रहे हो इसे यस और बाकियों का क्या है वेरी वेरी गुड बहुत अच्छे बेटा बाहर यहाँ पे चल रही है तूफान एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे हवाएं चल रही हैं बाहर चल रहा है अभी तूफान पता नहीं क्यों चल रहा है लेकिन बहुत तगड़ा तूफान आया हुआ है बाहर चलो वो ऐसा मौसम होता ना जब तुमको बाहर घूमने का मन कर जाए या फिर तुम्हें तो बालकनी में बैठने का मन कर जाए है ना एक चाय का कप लेके एकदम वैसा मौसम है हल्के हल्के बारिश वाले जैसे मौसम माफिक बहती हवा साथ हा वो यस काइंड kind ऑफ of. पोलर फ्रंट थ्योरी जो है ये किसको एक्सप्लेन करता है अरे मैम थ्योरी है तो किसी ने किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर ही रहा होगा अब मैम साइक्लोन बहुत कॉमन है बार बार जब दे देखो तो मैम साइक्लोन उठ के आ जाता है कभी नेहा कभी कैटरीना अलग अलग नाम लेके आ जाता है क्योंकि हमें पता है कि साइक्लोन का नाम कैसे डिसाइड होता है सारे कंट्रीज बैठे हैं सबने अपने दो दो नाम प्रपोज कर रखे हैं अब अगली बार जिस साइक जो आई साइक्लोन आएगा और जिस कंट्री का टर्म आएगा वो कंट्री जो है उसको क्या करने वाली सजेस्ट करने वाली है बात समझ में आई तो बोलो यस मैम बहुत बढ़िया तो ओरिजिन ऑफ साइक्लोन जो है आपका ये मिड लैटिट्यूड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फॉर्म होता है हम क्या कहते हैं कि जब भी लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है मतलब ये बंगाल में रहने वाले उड़ीसा में रहने वाले जो लोग कभी रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस है यस yes. कि कैसे लो प्रेशर चाप बनता है और कैसे जो है अब साइक्लोन आने वाला है तो भैया दीघा मंदार मनी का ट्रिप को कैंसिल करने का वक्त आ गया है येस yes. बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता रही हूँ ध्यान दीजिएगा पहला सा इसका क्या कह रहा लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी आखिरी जो हे hey भगवान प्लीज नो पावर कट पावर तो दोबारा आ जाएगी इन्वर्टर ले उठा लेगा इसका चार्ज बैटरी उठा लेगा लेकिन वाईफाई नहीं हो पाएगा ध्यान दो भाई क्या बोले आदि राजेंद्र के बारे में किसके बारे में आदि राजेंद्र के बारे में प्लीज़ प्लीज प्लीज थोड़ी देर बाद अभी नहीं एक घंटे बाद एक घंटे बाद ये हवाएं रुक जा ये कुछ ऐसे आवाहन होता है ना हवाओं को ऐसे आवाहन करते हैं ये हवाएं रुक जा माफिक कुछ करके ओके गाइस नेक्स्ट वन गवर्नर मद्रास प्रेसिडेंसी का और ट्रीटी ऑफ मैच हाँ ध्यान दो जब टीपू सुल्तान के साथ जब ट्रीटी साइन करी गई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु जब साइन करी गई थी उस टाइम पीरियड पर कौन था बताओ मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था मैं नहीं पूछ रही हूं बंगाल के बारे में मैं नहीं पूछ रही गवर्नर जनरल के बारे में आपको पता है ना कि तीन इनकी प्रेसिडेंसियां थी एक तो मैम बंगाल था एक बंगाल मद्रास और बॉम्बे बंगाल बॉम्बे इस हिसाब से इनका काम होता था इफ यू रिमेंबर यस मैम हाँ जी पवन बेटा बताइए बेटा नाम ले लिए अब बताओ पवन हम तुम्हारा नाम ले लिए हैं अब तुम बताओ अपनी कौन सी ज़मीन मेरा नाम लिख रहे हो जल्दी बताओ ऐसे काम नहीं चलेगा कोई भी वकील बिना फीस का काम नहीं करता है जल्दी बताओ कौन सी ज़मीन मेरा नाम कर रहे हो और रोड पर की ज़मीन चाहिए सेकंड थर्ड लेन नहीं चलेगा पहले बता दे रहे रेट बहुत कम हो जाता था है थर्ड लेन का रोड पर की ज़मीन लिखोगे तुम बाकी मामला हम संभाल लेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था यही रिपन था इसके नाम से कलकत्ता में स्ट्रीट बना दिया है। इन लोगों ने रिपन रोड है ना बहुत पौश एरिया बन गया है है ना अपने आप में बहुत एक पूरा का पूरा किला है अपने आप में रिपन स्ट्रीट जो कलकत्ता में है वो अपने आप में अपने आप में किला है किला माफिक बोले तो उसके अंदर सब मिलेगा वहाँ अपना एक अलग देश बसा हुआ है रिपन स्ट्रीट के अंदर नो डाउट आगे पार्क स्ट्रीट पौश एरिया है इधर एलगिन रोड है एलगिन रोड से एंटर करते हुए रिपन स्ट्रीट में घुसोगे लिटन स्ट्रीट जो कलकत्ता में वो बड़ा पॉश एरिया है हाँ ऐसा हालत है रेपन स्ट्रीट यस मायो मायू रोड कहाँ है यार मायू रोड नहीं है एक माथेश्वर कुछ टला रोड बोल के है मैंने आज उसका नाम नहीं पढ़ा है, लेकिन बंगाली लोग उसको क्या बोलते थे ए माथेश्वर जा वो माथेश्वर तो माथेश्वर तो मुझे पता है मैं कल ही जाकर आया हूँ तुम कहाँ से हो के हो बहुत बढ़िया ओके okay, गुड भाई अगला सवाल हैकिंग ग्रुप हैज फॉर फॉर द द अटैक ऑफ वेबसाइट एनिमल गवर्नमेंट अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आ, अब बताओ एक हैकिंग ग्रुप ने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किस गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी अभी हैक किया है इट्स रशिया काफी न्यूज में था काफी मतलब काफी ज्यादा न्यूज में था ये एनिमल्स जो ये लोग होते हैं ना जो छुप छुपा के माफिक जो काम करते हैं इनका अलग ही कांड होता है तो इन्होंने डिक्लेयर किया साइबर वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट और आफ्टर द प्रेसिडेंट जब से आपका यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ इन्वेजन शुरू हुआ तब से सबकारा का सारा जो है इन लोगों ने हैकिंग शुरू कर दिया इसको साइबर वॉर वाला जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है अब मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ कुछ लोगों को ऐसा होता होगा कि कुछ लोग साइबर तुमको ऑनलाइन बहुत परेशान करते होंगे ऐसा होता है ना कि कुछ लोग आपको ऑनलाइन तरीके से परेशान कर रहे हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं किसी भी तरीके की चीज़ जो है जिससे ये प्रूफ हो पाए कि कोई तुम्हें बुली कर रहा है या कोई जो है तुम्हें तो बार बार परेशान कर, कर रहा है स्टॉक कर रहा है किसी भी तरीके से याद रखिएगा आप उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हैं आप मामला दायर कर सकते हैं साइबर स्टॉकिंग का मामला दायर होता है और बहुत सारे ऑप्शन हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है एक लेटर कंप्लेंट बनाना है एक लेटर लिखना है एक मेल आई है मेल पर मेल करना है साइबर पुलिस को वो बंदा बंदी जो कोई भी है जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या जो भी तुम्हें स्टॉक कर रहा है या कंटिन्यूसली आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर परेशान कर रहा है आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं वो वहीं से उठा लिया जाएगा जहां भी बैठा होगा वहीं से उठा लिया जाएगा वहीं से उठा के हड्डी पसली उसकी तोड़ दी जाएगी ठीक है वो एकदम फैक्ट वाली बात है तो कभी भी डरना नहीं है चीज़ों को लेके कर हाँ साइबर नंबर भी है ना मैम साइबर नंबर भी है गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा कुछ नहीं बस उसके स्क्रीन शॉट रखिए अगर कोई आपको डिस्टर्ब करता है उसके स्क्रीन शॉट को रखिए आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे ऑनलाइन तो बहुत ईजीली ट्रेस हो जाएगा है ना अगर उसका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर रखिए ट्रेस करने के लिए ट्रेस क्यों करने की ज़रूरत होती है ताकि उसके घर पर जाकर उसको प्रॉपर तरीके से उठा के बढ़िया से उसका इंतज़ाम किया जाएगा हाँ समझ रहे हो यस ओके okay. शुबर्नो जयंती स्कॉलरशिप जो है ये किस स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है इसका नाम काफ़ी था 2021 में ये लाया गया है और इसका नाम काफ़ी था आपको बताने के लिए बंगाली नाम साउंड कर रहा है ना शुबर्नो है ना सुबर्णो जयंती स्कॉलरशिप एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा स्वर्ण जयंती बोलना चाह रहा है <coughs> स्वर्ण जयंती को स्वर्णो जयंती बोला जा रहा है और ये है बांग्लादेश ठीक है इटा আছে बंगाल বুঝে গেছো बंगालเทศ છેટા કિશોર ઝોન ને এড્યુકેશનલ ઝોન ને નીએ ઇટા છે છે તાકી ક્યા કિયા જા સકી જ્યાદા જ્યાદા બચ્ચો કો এড્યુકેશન દિયા જા સકે બહોત અચ્છી બાત હે આગે દેખિયેગા પુતલા નાચ જો કી એક ന്യൂઝ મેં થા અભી ટ્રેડિશનલ ફોર્મ હે કહા કા કટપુતલી કા નાચ હે અબ બતાઓ યે ક્યો થા ચર્ચે મેં બતાતી હું કોવિડ કે દોરાન પે યે पुતલી કા નાચ કરકે જાગ્રુતા ફેલાઈ ગઈ થી कि नालायक पुतली भी एक दूसरे से अलग रह सकता है कठपुतली भी अलग रह रहा है तुम कौन सी खेत की मूली होगी तुम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो तुम लोग जिसकी वजह से कोविड जो है ये फैला जा रहा है तो कहने का मतलब क्या है मामा आसाम खैर माम कहाँ पे माम आसाम में पुतला नाच जो है वो आपकी आसाम में है वैसक जो कि फुल मून है किस मंथ की रिलीजन में बताइएगा हमारे यहाँ भैया इसको पूर्णिमा बोलते हैं जब हमारे यहाँ चांद कंप्लीट होता है तो हमारे यहाँ पूर्णिमा बोलते हैं और बोलते हैं आओ चले चांद के उस पार कुछ नहीं बालकनी में तो चांद देख लेते निहार लेके वापस आ जाते हैं बहुत बढ़िया बात है आपको अब तो तक समझ में आ चुका है कि मैम बुद्धिज्म कौन बोला सिखिज्म डाट खाने को रेडी हो क्या बोले मैम बुद्धिज्म आगे बढ़िएगा क्या कह रहा है बाथू खाव जो कि फ्रूल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किस में बेटा ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो हम पहले आप लोग को करवा चुके हैं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आपको इसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए मैम तेलंगाना तेलंगाना पूरे नौ दिन का ये आपका त्यौहार होता है कहाँ पे तेलंगाना जैसे आपके यहाँ क्या होता है नवरात्रि होता है नौ दिनों का वैसे मैं नौ दिन कंपेयर करके बस कह रही हूँ और दो त्यौहार में वैसी कोई सिमिलैरिटी की बात नहीं बोली गई है क्लियर ये बात तेलंगाना में आपके नौ दिन का त्यौहार जो है ये मनाया जाता है फलों से फूलों से बहुत ही मतलब फूलों से ऑब्वियसली हाँ ठीक है आगे देखोगे मौर्य डायनेस्टी में से क्या लिया गया है मौर्य डायनेस्टी से ऐसा क्या लिया गया है जो कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना यूज़ कर रही है हमारे यहाँ पे क्या बोला मैम कहाँ गया भैया चार शेर सब्ज चार शेर कहाँ गया फोर लायंस देखे हो ना मेरा सिक्का कहाँ गया बहुत गरीब आदमी है पाँच रुपये का सिक्का दिख रहा है तुम लोग को हाथ भी वाइट है एव, सिक्का भी पाँच येलो रंग का है हल्का वाइट है माफिक है पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है गॉड नोस दिख रहा होगा ऑलमोस्ट हाँ तो इस पर तुमको दिखा शेर बना हुआ हाँ तो ये चार शेर बना हुआ है अब झूठ मत बोलना हाँ हाँ बोल के हैं ठीक है सच्चाई बोलो कि नहीं मैम नहीं दिख रहा है सिक्का दिख रहा है चार शेर नहीं दिख रहा है एक और है क्लास में जो लिख रहा है ज्योति यहीं मिलोगी तुम्हारा टेंडर डेट चल रहा है क्या यहाँ पे क्या हो गया आज के क्लास में डेटिंग करने आते हो दूसरे से मिलने आते हो ज्योति मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी ज्योति मेरी आंखों की ज्योति तुम्हें देख के वापस आती ये ज्योति तुम कहा थी ज्योति यही चल रहा है क्लास में टेंडर चल रहा है इनका एक दूसरे को ही मतलब अलग चक्कर में लगे हुए हैं यहाँ लड़कियां पढ़ रही है लेकिन ना इनको नटरामा करने आना इनको क्लास में देखो बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पे है अरे बाबा तुमको अगर नॉर्थ बंगाल में एंटर करना है नॉर्थ बंगाल एंटर करने के लिए मैंने तुमको वापस बोला है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा एरिया है जो तुमको ईस्टर्न जगह से जोड़ रहा है पूरे भारत को वेस्ट बंगाल जो एक ऐसा एरिया है जो आपको जितनी भी पूर्वी राज्य हैं उन सब जगहों को क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ है आपका वेस्ट बंगाल में बागडोगरा उतरोगे के वहाँ से उतर के दार्जिलिंग चले जाना है गाड़ी पकड़ना मस्त वैन van करना वैन करना उससे बैठना हाँ किडनेपिंग वाला जो वैन आता है उसमें बैठना और बैठ के एकदम मस्त चले जाना कहाँ पे? दार्जिलिंग घूम फिर के आना मज़े मज़े में एक बंदा लिखा है मैम मैं सेड हूँ बेटा जब तक तो तुम सेड हो तब तक हम बात नहीं करेंगे तुमसे ख़त्म कहानी सैड होगी तो फिर सोचेंगे भी जब तक ये वाला सेड चलेगा ना तब तक सोचना पड़ेगा ठीक है बेटा चल ठीक है बेटा ठीक है कोई बात नहीं बच्चा मेरा सब ठीक हो जाएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा इस सीट एक दिन सेट जरूर होगा नेक्स्ट वन टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन इज अ टैगलाइन ऑफ व्हिच बैंक ये किसने कहा था टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन एक कर्नाटक का बच्चा है क्लास में उसने लिखा इज देयर एनीवन फ्रॉम कर्नाटक हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस प्लीज टेल मी समथिंग मैसेज टाइप किया है बच्चे ने वो बेचारा अपना साथ ही ढूंढ रहा है कोई बात नहीं यार आ जाओ बाहर जाते तो इंडियन ढूंढते इंडिया में रहते हैं तो अपनी अपनी जगह वाले लोगों को ढूंढते हैं वेरी वेरी गुड इंडियन बैंक इंडियन बैंक इंडियन बैंक सीईओ कहाँ पे हेडक्वार्टर मैम चेन्नई में है अरे कहाँ से आई सी आई सी इंडियन बैंक वेरी वेरी गुड इंडियन बैंक आई सी आई सी कहानी में तुम लोग को बताई थी डूबते हुए बैंक को किस तरीके से उठा दिया डूबते हुए बैंक को आईसीआईसी बैंक को किस तरीके से उठा दिया बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से काम लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से साथ में बात करके चीज़ों को और आज वो जेल में है एक सिग्नेचर तो भी अपने पति के लिए किया था उन्होंने एक टेंडर नेक्स्ट वन बख्शी स्टेडियम जो कि वाइडली आपका फुटबॉल स्टेडियम के तौर पर यूज़ होता है ये असल में है कहाँ चलो भैया ये मुख्य रूप से किसके लिए यूज़ होता है फुटबॉल के लिए यूज़ होता है कहाँ पर है मैम जम्मू कश्मीर में है कहाँ पे मैम जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया पटना कब आ रही है पटना आएंगे दो महीने बाद आएंगे बहुत बढ़िया नहीं मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो केरला से हैं एक दो बच्चे हैं जो कर्नाटका से हैं ज्यादा नहीं दयान बताना ऋषि सोनाक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के बताओ बाबू बहुत मीम फेमस क्यों तुम लोग इनका है? एक तो इंडियन ऊपर से डॉग लेके घुस रहे थे तुम लोग मीम वायरल कर दिए क्या चाहते क्या इनके साथ यूके कंजर्वेटिव पार्टी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है बार बार मैंने आप तुम लोग बताया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या होता है टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी हर देश से अलग अलग जो बेस्ट से भी बेस्ट जो ज्यूरिस्ट हैं जो बेस्ट से भी बेस्ट उनको यहाँ पे बैठाया जाता है वो यहाँ पे बैठते हैं आपकी बेंच है जो आपकी जजमेंट के लिए बैठती है जब भी दो देशों का ऐसा मामला होता है जो दोनों देश के बीच शांति अमन चैन जो है ये सब कुछ कायम रह सके इसके बारे में ठीक है ध्यान दो अगले सवाल पे इनमें से गोल्डन फ़ाइबर किसको बोला गया है जल्दी बताओ इसलिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी बोला गया है इसीलिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी बोला गया है तो गोल्डन फाइबर कौन सा होता है चमकीले सुनहरे बाल जूट को बहुत बढ़िया बात बेटा बहुत बढ़िया बात अच्छा एक बात बताओ जो सेरी कल्चर जिससे सिल्क निकालते हैं सिल्क जो सेरी कल्चर में तो एक बात बताओ ये सिल्क के जो प्यारे प्यारे सिल्क वॉर्म होते हैं ये किस पे पलते हैं किन चीजों पे पलते हैं बताओ जल्दी से हम्म रेशम का क्या खाते हैं बेचारे शहतूत खाते हैं वेरी वेरी गुड कौन सा लीव खाते एक लीव बोला है. क्लास अटेंड नहीं किया तो मेरी शहतूत के बत्ते मलबेरीज यस नेक्स्ट वन बोंगो सागर बी लेटरल नेवी एक्सरसाइज वापस बता दिया तुमको किसके साथ हुआ है क्या बोला बोंगो सागर बताओ भाई पाप लगेगा तुम लोगों को बोंगो सागर पूछ रहा तुमसे बांग्लादेश 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 बोले तो यस yes. मैम कमेंट को बहुत बर्दाश्त करती हूँ मानना पड़ेगा है ना सोचो उसको भी इतने प्यार से टैकल करना इतने प्यार से लेना उफ कोई बात नहीं नेक्स्ट <laughs> वन बी थ्री स्टॉक एक्सचेंज जो है किस कंट्री का है इस कंट्री में सांपों का देश है किस कंट्री को क्या है सांपों का देश और इस कंट्री में सांप को कॉफी पिलाते हैं क्योंकि यहाँ पे सांप भी ज्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे कॉफी का भी उत्पादन जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ठीक तो है तो बात समझ में आए सांप को कॉफी पिलाते हैं बोले तो मैम ब्राजील याद रखिएगा कॉफी में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग जो कॉफी में ब्राजील है और इंडिया में कौन सा है कर्नाटका फिल्टर कॉफी ओ बाबा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा आगे बढ़ो क्या कह रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे स्थित है

कौन कैसे बात करता है कौन क्या करता है किस तरीके से रहता सब जानना है आप क्या करने आइएगा कहाँ रहिएगा क्या खाइएगा है ना अब हम ब्लॉग बनाएंगे कल से ठीक है कल से हम ब्लॉग बनाएंगे सुबह उठ के हम रात तक क्या करते हैं सबका ब्लॉग बनाएंगे ठीक है नेक्स्ट वन हे भगवान लाल बहादुर शास्त्री कोपरेशन स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है मैम केरला 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 वेरी गुड ठीक है सरार सरोवर का डैम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एटलीस्ट चार स्टेट को अब ये है कहाँ पे <laughs> चलिए गाइस फटाफट फड़ से बताइएगा गिव में वन मैम मैम गुजरात 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 वेरी वेरी गुड गुजरात में है आपका बहुत अच्छे अच्छा और चार स्टेट कौन कौन से हैं मैम इसके एमपी महाराष्ट्र राजस्थान चौथा वो जगह है जहां अवेयरनेस डे किस दिन पर मनाया जाता है बेटा आप कह रहे हैं वापस से पढ़ लो दिक्कत हो जाएगा कब मैम पांच नवंबर को सुनामी बताना कब आया था कहां पे आया था सुनामी सबसे पहली बार बताओ देश हिला दिया था नेक्स्ट वन कुंबी डांस जो है अरे थप कुनबी डांस जो है ये ट्रेडिशनल फोक डांस है किस स्टेट का ना टॉप टॉप क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं तुम्हारे एग्जाम में पूछ देगा ना इसलिए लाना पड़ता है बताओ गोवा एक लिख रहा है गांव बेटा गांव नहीं है गोवा है ठीक है गाँव बोलो गोवा बोलो जो बोलना है बोल लो कोई फ़र्क नहीं है जी जहाँ आप लोग जाते हैं कि गोवा जाना है कुछ भी नहीं है गोवा में कुछ नहीं अरे नॉर्मल वहाँ के लोग जैसे रहते हैं बेचारे वहाँ के लोग रह रहे हैं जैसा ट्रेडिशन वहाँ का वैसा लोग निभा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं गोवा जा है। रहे हैं कहाँ दे रहे गोवा फालतू का हाइप बना के रखा है गोवा जाना है मिले कि आप मछली मिले कहाँ मिले मछली का ना सूप देना पता नहीं क्या दे जो वहाँ का ट्रेडिशनल पुर्तगाल लोग जो खाता है जो वहाँ रहता है वो लोग दिमाग का दिमाग का दही करके रखते हैं अलग अलग में यहाँ यहाँ तक कि कपड़े पहन बस नाचे जा रहे हैं नाचे जा रहे अरे यार गजब हालत है सस्ता नशा कुछ नहीं है इससे अच्छी अच्छी जगह घूमो कभी साउथ जाओ साउथ में एम्पल ऑफ जगह एक्सप्लोर करने के लिए एम्पल ऑफ जगह है मतलब इतने सारे कहते हैं ना एकदम अगर तुम्हें सेनारी, सेनारी, तुम्हें सीनरी वगैरह देखना है कुर्ग वगैरह चले जाओ आगे चले जाओ बहुत मस्त जगह है चलिए भाई आगे बढ़िएगा राजेंद्र नगर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है अब देखो हमको नाम से पता चल गया है कहाँ पे स्थित है तुमको भी पता चल जाना चाहिए बिहार, बिहार 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 बहुत बढ़िया बात है राजेंद्र नगर जंक्शन नहीं राजेंद्र नगर स्टेशन भी है बिहार में कंकड़ आपके आगे जाइएगा पटना में मिलेगा आपको राजेंद्र नगर स्टेशन भी अब इतना बड़ा हो गया है पटना कि राजेंद्र नगर पहले पटना से बाहर काउंट होता था अब राजेंद्र नगर पटना के अंदर काउंट करने लगे हैं काहे इतना इतना बड़ा हो गया है ना इतना जाम रहता कि पटना से राजेंद्र नगर पहुंचने में तुमको नानी याद आ जाएंगी ध्यान दो करनौल सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है ये किस नदी के बैंक पर स्थित है कही है कि गांठ बांध लो तुंगभद्रा को नहीं भूलोगे क्या बोले हां तुंगभद्रा को नहीं भूलोगे बहुत बढ़िया बात है तुंगभद्रा आगे देखिएगा चंदोली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है मैम चंदोली तुम लोग को भी वहीं ले जाके रखेंगे चिंता मत करो वहाँ कई बार पक्षियों के फोटोग्राफर्स आते हैं तुम लोग के लिए भी वहीं पर तुम लोग को बैठा देंगे ले जा मस्त मस्ता मस्त मज़ा लेना मैम आर यू एलेक्ट्रीशियन बिकॉज यू लाइटन इन आप कॉलेज में रहा तुम अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो ना अभी तुम जिसने डायलॉग मारा क्या नाम इसका गया ये बंदा तुम लोग से नाम ढूंढो तो कौन था ये बंदा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया महाराष्ट्र 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 ये पक्का इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा महाराष्ट्र है ना ऑप्शन में हाँ भाई चलिए साल भर पार्क में इतने सारे पक्षी देखने वाले पक्षी विज्ञानी वगैरह आ जाते हैं फिर फोटो वोटो तो खींचना जो है ये शुरू हो जाता है ये बात समझ में आ गई वेरी वेरी गुड आगे देखना ओके नेक्स्ट वन क्या कह रहा है विल्स ट्रॉफी जो है ये किससे जुड़ी हुई है मनीष इसका जवाब तुम बताओगे बोलो जल्दी से मनीष अभिजीत गुड पवन मयंक विश्वजीत गुज्जू अरविंद वेरी वेरी गुड विकास ओके okay. ओके okay. सबका जवाब आ गया अब मैं जवाब दूँ ठीक है बहुत बढ़िया बेटा ये क्रिकेट में मिलती है क्या बोले तुमको विल ट्रॉफी जो है तो वो क्रिकेट तुम्हारा खेलने का विल पावर होगा तो तुमको क्रिकेट में दी जाएगी अब जिसका जिसका गलत हुआ है वो कल क्लास में पार्ले जी बिस्किट लेके आना ठीक है गुड नेक्स्ट वन पक्का बंगवाले थे अगर ऑफलिंग क्लास में तुम तो पक्का बोलते कल सब तुम लोग पार्ले जी बिस्किट लेके आना फिर क्या फिर उस पार्ले जी बिस्किट को हम बेच आते जा पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा हुआ उनका फॉलिंग इससे सीधे तबला बताना ज़ागरूक साइन ये डीपीएस वाले क्या करते थे जब भी किसी का बर्थडे होता था तो डीपीएस स्कूल है एक डेली पब्लिक स्कूल बोल के एक स्कूल है तो जब भी किसी का बर्थडे होता था सबको बोलते थे जैसे गांधी जी का हुआ बर्थडे तो बोला गया धोती कुर्ता पहन के आना है ना सूती साड़ी पहन के आना उसके साथ बोलते थे कभी पार्ले जी बिस्किट लेके आ जाओ कभी बोलते थे कोई चॉकलेट लेके आ जाओ पक्का वो लोग भेज देते होंगे किसी न किसी दुकान में गारंटेड इतना ज़्यादा हो जाता था ना वहाँ पर मतलब सब एक 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 क्लास में सेक्शंस बने हुए थे बारह चौदह सोलह अठारह सेक्शंस बने बने हुए थे इतने सारे सेक्शंस थे एक एक क्लास में मैम मिल्क बिकीज अरे हाँ यार मिल्क वेरी वे गुड चलो चलो जल्दी जवाब दो मैं तुमको इतना मार मारेंगे ना गाल में भी कंटाप खींच के कि हॉर्लिक्स बिस्किट और मिल्क बिकीज बिस्किट एक बार में निकल जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गैलियम 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा ईयर पूछ दिया तो क्या करोगे बेटा Year पूछ दिया तो क्या बताओगे ऐसे तो हमने के टिक लगा दी। मैं ना तो ऐसे ताकि तुम्हारे दिमाग में नाम और ईयर दोनों का दोनों याद रहेगा बात समझ में आ गई ग्रेट आगे ओढ़ेगा पोषण अभियान जो कि लॉन्च किया गया था स्पेशली न्यूट्रिशन पोषण देने के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो गर्भवती महिलाएं हैं लोकेटिंग आपकी जितनी भी बाकी जो महिलाएं जो बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं या जो बच्चे जिनकी एज जीरो से छः साल के ग्रुप में हैं इनके लिए ये पोषण अभियान जो है ये शुरू किया गया था किस साल में 2018 में प्लीज़ प्लीज़ कंफ्यूज प्लीज, मत हो ये जो लोग 2016 जवाब दे रहे हैं आ आ, आ आ आ आ गलत 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 दो में लाया गया था इस बात को ध्यान रखिएगा कन्फ्यूज़ मत होइए दो तीन ऐसे प्लान्स लाए गए तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है एक बार ध्यान से सवाल को देख लेना है और उसके बाद इसका जवाब देना है चलेगा ओके नेक्स्ट वन आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित बहुसंगीतकारों में से एक हिंदी फिल्म रुद्राली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का इन्होंने पुरस्कार जीता है और उन्हें ब्रह्मपुत्रा के बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है बताइए किन के बारे में बात कर रहे हैं मुझे एक याद है रुद्राली से याद आया 1993 में मुझे रुद्राली से जहाँ तक याद आ रहा रुद्राली जो है वो जो उससे उनके मुझे एक नाम याद आ रहा आप बताओ आपको क्या याद आया नरुद्दीन भूपेन हजारिका जी ठीक है भूपेन हजारिका बहुत बढ़िया गुड ग नेक्स्ट वन इनमें से कौन सा नॉवल जो है वो नहीं लिखा गया है किसके द्वारा अमिताभ घोष के द्वारा हमने ये पहले भी सवाल कर रखा है अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की तुम लोगों ने कभी नॉवल पढ़ी है कभी 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 विक्रम सेठ की स्पेशली वो जो अपने अंकल और आंटी के बारे में नॉवल लिखा था जो दो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बिछड़ जाते हैं नेक्स्ट वन रेनी विलेज जो कि गढ़वाल में जानी गई है इन्वॉर्मेंटल मूवमेंट है उन्नीस में असल में मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी अब देखो गढ़वाल मैंने बोला रेनी विलेज में क्या हुआ था कुछ गढ़वाल से याद आ रहा है चिपको मूवमेंट गढ़वाल से याद आ रहा है चिपको मूवमेंट यस मैम क्या याद आया मैम चिपको मूवमेंट वहीं से तो शुरू हुआ उन्नीस में उसी गाँव से तो शुरू हुआ रेनी गाँव से बार बार तो सेम बात पढ़ रहे सेम बात पढ़ रहे हम लोग किसान महिलाओं ने समूह बनाए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ हैं तो आप हैं एग्जैक्टली बेटा पहली चीज़ आज हमारा बर्थडे नहीं है हमारा बर्थडे है तेईस जुलाई को दूसरी चीज़ हम चिकन नहीं खाते तो चिकन का क्या भेज रहे हो या फिर पता नहीं क्या है मुझे दूर से वो चिकन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता लेग पीस माफिक तो बट हम वेजिटेरियन हैं अब पता नहीं चलता हमारी आँखें थोड़ी वीक हो गई है बहुत दूर पर लगा हुआ है ध्यान दो दो हज़ार अब दो में अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड जो है आपने बताना है कि ये किसको अवार्ड दिया गया था चलिए मैं आपको बता देती हूँ कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के नृतांगना हैं कोरियोग्राफर हैं इसकी शिक्षिका हैं अपर्णा 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 वेरी वेरी गुड गुड अपर्णा नेक्स्ट वन माइक्रोस्कोप के अंडर कौन सा सेल ऑर्गन जो है ये है ये विजिबल या तो क्लस्टर के फॉर्म में मतलब तुम तो तो जैसे माइक्रोस्कोप देखते हो ना तो ये कैसा दिखता है क्लस्टर के फॉर्म में दिखता है या तो फिर एक सिंगल स्मॉल डॉट्स के तरीके से दिखता है जो फ्रीली मस्त हवा मस्त हवा सा मैं तो फिरता जाऊँ माफिक एक दूसरे से घूम रहा होता है इन साइटोप्लाजम ये तो इंग्लिश में ऑप्शन है ओके हेयर इज द क्या है रिबो सन वेरी वेरी गुड ठीक है बहुत बढ़िया किस इक्विपमेंट का यूज़ इक्विपमेंट बोल्ट किस किसपोर्ट में यूज़ किया जाता है यहाँ पे एक दीवार है ठीक है और दीवार में क्या किया जाता है अब तुम्हें यहाँ यहाँ पे डॉट्स बनाए दी जाते है जैसे यहाँ यहाँ पे डॉट्स बना दिए गए यहाँ पे डॉट्स बना दिए गए ठीक है माउंटेनिंग का जब कोर्स करोगे पहाड़ चढ़ाई का तो इसी को पकड़ पकड़ के पकड़ पकड़ के ऊपर बढ़ोगे और मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो जो पकड़ते हो ना गिरते वक्त जी 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 इक्विपमेंट बॉल बहुत अच्छा लगा सुन के आप लोगों का जवाब आगे बढ़िएगा किस फ्रीडम फाइटर की ऑटोबायोग्राफी है भगत सिंह ने इसके बारे में लिखा था एक ऐसे की तरह की सबको देख सकते हैं 1930 में जब लाहौर जेल में थे उस दौरान पर साउंड स्लो मैम हेलो 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 माइक ऑडिबल गाइस गुड नेक्स्ट वन ध्यान दीजिएगा पद्मश्री अवार्डी श्री अमबीर सिंह जिनको कंफर्ट किया गया है अवार्ड उनकी के लिए किस फील्ड में मणिपुरी नृत्य में किस में मणिपुरी में आइए देखिएगा इनमें से किनको ट्रेन किया गया था क्लासिकल अच्छा उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अंदर और महिर सेन घराना जो है स्टैब्लिश हुआ था ये सवाल हमने भी कर रखा है अन्नपूर्णा देवी जिसको घराना इनसे था जुड़ा हुआ इनमें से कौन आपके एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं ध्यान से समझो मैम लेजिस्लेटिव अलग है लेजिस्लेचर अलग है है ना मैम एग्जीक्यूटिव का काम अलग है एंड जुडिशरी का काम अलग है कम से कम हजार बार समझा चुके हैं आज वापस बता रहे हैं लेजिस्लेचर का, का काम होता है लॉ बनाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना और इसका काम होता है लॉ को इंटरप्रिटेट करना ये बात समझ में आई यस मैम हाँ तो क्या हो गया मैम सुप्रीम कोर्ट जो है ये जुडिशरी है है ना एग्जीक्यूटिव में नहीं आती है आर्टिकल 356 को किसने बोला था डेड लेटर भाई बोला ये डेड लेटर है कोई भी आ, केंद्र क्यों अपने ही राज्यों को डेड लेटर इशू करेगी क्यों क्यों बताओ ये कौन है बालक जरा देखें मैं दिव्या में आप मुझे क्यों नाराज़ है मैंने कभी कोई गलत नहीं कमेंट किया भले नाराज मत हो कौन हो बेटा गोपाल तुम हम क्यों नाराज होंगे बेटा तुमसे क्यों नाराज होंगे कोई बात नहीं है बहुत अच्छी चीज है बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड देखो हुआ गया, अच्छा आर्टिकल 356 में किसके बारे में बात कर, हो रही थी आर्टिकल 356 में किसकी बात हो रही है व्हाट वॉज आर्टिकल 356, जिसके बारे में ये बोला गया था आर्टिकल 356 में कि कोई भी सेंटर क्यों ही कोई ऐसा लागू करेगी जो उसकी स्टेट की शक्तियों को ख़त्म कर रहा हो स्पैम मत करो ब्लॉक कर देंगे दो मिनट में मजाक एक हद तक प्रेसिडेंशियल रूल दैट इज प्रेसिडेंशियल रूल डोंट से इट नेशनल इमरजेंसी डोंट डोंट से इट स्टेट इमरजेंसी नेक्स्ट वन इमरजेंसी के प्रोविजन जो है ये संविधान के किस भाग में आपके दिए गए हैं मैंने पार्ट पूछा है आपसे आर्टिकल नहीं पूछा है आर्टिकल पार्ट अट्ठारह कौन सा कहा मैम भाग अट्ठारह किस अमेंडमेंट के तहत बताया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो गवर्नर को एक से ज्यादा राज्य के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है अभी हाल में ही हमने देखा इसके लिए अगर ये अमेंडमेंट की बात करें तो यह अमेंडमेंट 1956 में लाया गया था कब लाया गया था वन सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके तहत अभी गवर्नर को बोला गया था एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल जो है इनको नियुक्त किया जा सकता है बातों को ध्यान में रखिएगा गवर्नर के अपॉइंटमेंट से लेकर जहां तक हटाने की बात आती है क्या बोला मैंने कि कौन रुको एक को ब्लॉक करने दे दो इसको हम उसका जीवन हमको बचाने जीवन बचाना जीवन बचाने दो इसका जीवन बचाना बहुत जरूरी है बस तो जीवन बच गया इसका ब्लॉक करो इसको बहुत जरूरी था परेशान किए हुए था नेक्स्ट वन हु कैन ट्रांसफर द गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था इसके बारे में अभी जस्ट क्या सुनो ध्यान से क्या बोले कि गवर्नर के मामले में जब भी कोई मामला आता है गवर्नर के बारे में तो ये किधर जाता है मैम ये किसके अधिकार क्षेत्र कह सकती हूँ एक तरीके से वो किसको जाता है प्रेसिडेंट को माउंटेन रेंज में किस प्रकार के आपके फॉरेस्ट जो है पेड़ जो है ये पाए जाते हैं हमने आई इस दो दिन पहले वाली क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि देवदार के जो पेड़ होते हैं किसके देवदार के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं आपको बताना है कि चापचरकूट जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है मैम मिजोरम का है जब यहाँ पे क्रॉप्स काटते जाते हैं जब यहाँ पे फसल जब काट ली जाती है तो फसल काटने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं उसको काटा जाता है जलाया जाता है और बड़े ही सक्सेसफुली जब वो कट जाता है जब ज़मीन जब खेत की लाइक भूमि जब तैयार हो जाती है तो ये चापचर कूट जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है उसी हर्षोल्लास में अब फेस्टिवल मनाने का मतलब होता है कि आप अच्छे से गाना बजाना नाच गाना खाना पीना है ना हा डन नेक्स्ट वन रेनफॉल जो मेजर किया जाता है किससे बड़ा आसान हिंदी में लिखा हुआ है वर्षा नापने का यंत्र तो सीधे क्या बोलना है मैम वर्षा नापने का यंत्र डन नेक्स्ट वन भावाई जो कि ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है किसका डांस फॉर्म है आज भी आप लोग का डांस फॉर्म से सवाल आया था भावाई कहाँ का है गुजरात 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 चलो यहाँ पे तो राजस्थान है नहीं ऑप्शन सही से नहीं है वरना ऑप्शन रहता तो उस टाइम पे कंफ्यूज मत हो जाना ऑप्शन में कि मैम गुजरात की जगह पे क्या कर देंगे राजस्थान मत करके आ जाना तो वो दिक्कत वाली बातें हो जाएंगी ठीक है चलिए वी होप द ड्रास्टिक पावर conferred the 356 would वुड रिमेन अरे ये तो बाबा साहेब ने कहा था घुमा के सवाल है क्या हो गया इसको अरे ये क्या चल रहा है क्या मैं रिवर्स में जा रही हूँ क्या मैं सेम क्वेश्चन सारे हैं अब आया ये पूरा एक बार में सारा रिवर्स हो गए थे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं यार चलो आगे बढ़ो क्या कह रहा है अगला एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपोरेशन जो है ये कहाँ पर है मैम 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 सिंगापुर कब मैम फाउंडेड 1989 में कब हुआ था मैम इसका फाउंड सिंगापुर में है और ये 1989 में नेक्स्ट वन इनमें से किस सिटी का नाम जो है सिटी ऑफ डेस्टिनी बोला गया है वैसे तो सिटी ऑफ डेस्टिनी बोलना चाहिए था मुंबई को बोलना चाहिए था डेस्टिनी किस्मत पर बहुत कुछ यकीन रखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सिटी ऑफ डेस्टिनी को बोला गया है इसकी खूबसूरती को डेस्टिनी यस yes. भाई आगे देखना कौन सा आर्टिकल जो है इसमें से डील करता है वीपी साहब के बारे में अब बड़ा ही आम सा बहुत ही नॉर्मल सा ये सवाल है आपका इस समय एक दो चीज़ें आप लोगों से बस पूछूंगी मैम आर्टिकल सिक्सटी थ्री आर्टिकल सिक्सटी थ्री आर्टिकल सेवनटी थ्री डन ओके क्लियर अच्छा एक बात बताओ जब अगर वीपी की पोजीशन खाली हो गई इन केस अगर इन ऑफिस डेथ हो गया भगवान नगर करे कभी हो इन ऑफिस डेथ हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई इनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या वी की पोजिशन खाली रहेगी क्या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप वी वाइस प्रेसिडेंट साहब की पोजिशन को खाली रखेंगे ये तुम्हारा होमवर्क है क्लास खत्म होने के बाद मुझे जवाब दोगे नेक्स्ट वन वीपी पूछा वाइस प्रेसिडेंट पूछा है प्रेसिडेंट नहीं पूछा है जो सीजीआई का नाम ले रहे हो प्रेसिडेंट नहीं पूछा है नेक्स्ट वन आपको बताना है कौन सा आर्टिकल जो है ये कहता है कि किसी भी राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर में वेस्टेड है आर्टिकल 153 और आर्टिकल 154, एक तो 155 भी बोला है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है क्लास में सौ बार चिल्ला के भी कोई फायदा नहीं है गुड डिस्टेंस क्या बोला गया है का फ्रॉम अर्थ एट लाइट मिनट जरूर बेटा इसका वीडियो जरूर मिलेगा हीराकुंड कुंड्रल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है अभिजीत पवन अनन्या अश्विनी अभिवीरा पवन मयंक गुड 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 महानदी महानदी विश्वजीत महानदी महानदी कहां पे है महानदी कहां पर है बताओ ओडिशा ओडिशा अच्छा अब एक बात बताओ ये तो मैंने कह दिया महानदी क्या ये सबसे लार्जेस्ट डैम है चलो महानदी के ऊपर कोई डैम है क्या महानदी के ऊपर कोई डैम है क्या क्या महानदी जो कि उड़ीसा में है कोई डैम है ओके यस मैम कौन सी डैम है बेटा हीराकुंड डैम है वेरी वेरी गुड क्या ये डैम जो है ग्रेविटेशनल डैम है ग्रेविटी डैम है हाँ या लॉन्गेस्ट डैम है क्या किस प्रकार का डैम है बताइए हीराकुंड हीरा नहीं बेटा गलती मत कर देना एग्जाम में जब लॉन्गेस्ट की बात आती है तो आप हेराकोड नाम लेते हैं जब ग्राविटी की जब आप बात करते हैं ग्रेविटी डैम की बात करते हैं तो भाखरा डैम के बारे में बात करते हैं नहीं तो ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है हाँ लॉन्गेस्ट की जब बात आएगी ना तो लॉन्गेस्ट में लोगे किसका नाम आप लोगे हिराको डैम का नाम लोगे हाँ एग्जैक्टली और जब बात आएगी आपकी ग्रेविटी वाले डैम की जब बात आती है तो भाखरा डैम के बारे में बात करोगे क्योंकि ग्रेविटी डैम जो होती है ये बड़ी स्ट्रोंग होती है मतलब इसमें खासियत क्या है कि इसको बार बार मेंटेनेंस नहीं मांगता इसको इसने बार बार मेंटेनेंस नहीं मांगता है देन चलिए अगले सवाल में हैं। गैस आपको टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिन जिन लोगों तो ज्वाइन नहीं किया है वो सारे लोग हाँ ग्रेविटी बाकड़ा आगे बढ़िए जा कहाँ गया क्वेश्चन अरे यार बीच में जो क्वेश्चन रिपीट हो गए ना वो उसने हमारे दस क्वेश्चन बस ऐसे बस बोलने से नहीं होगा खुश जाते तुम लोग हाँ नहीं तो अब मैं पूछना शुरू करूं मैं कुछ भी हाँ अरे मैं रोक के रख लू लो तुम लोगों को मैं पूछना शुरू करूँ तुम लोगों से बांध नदियां टेम्पल्स तब रो दोगे बैठ के चलो भाई बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा क्लास रेडी हो रहा तुम लोग एक दिन में तुम लोग पता है ऐसे एक एक्स्ट्रा एक क्लास दूंगी और मैं क्या करूंगी ना कमेंट सेक्शन में नीचे पोल कंडक्ट करवाऊंगी और मैं ऐसे रैपिड फायर एक्स्ट्रा 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 ऐसे एक 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 पूछते 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 मैं आगे की तरफ चली जाऊंगी और फिर जाके तुम लोगों को समझ में आएगा एक बार में चलो जल्दी से बताओ शिपकी शिपकिला पास जो है ये कहाँ से गुजर रही है शिपकील पास जो है ये कहाँ से गुजर रही है जल्दी बताओ माउंट दर्रा शिपली ऑप्शन चाहिए ना सिक्किम गलत हिमाचल सही 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 जपला पास कहाँ से गुजर रही है जपला सिक्किम अरुणाचल प्रदेश कंफ्यूज हो गए बहुत बढ़िया। लद्दाख, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सबकी जवाब जो है वो अलग 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 आना मुझे शुरू हो चुके हैं पिन वैली नेशनल पार्क फटाफट बताओ पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है जोजिला लद्दाख हम्म पिन वैली एच पी एच पी एपीएचपी क्लियर हो पहले आपस में क्लियर हो सारे लोग गुड। एच पी एच पी एचपी चलो आगे बताओ सबसे पुराना सबसे पुराना सबसे, पुरान, सबसे पहला आपका नेशनल पार्क कौन सा है एचपी पिन गुड। सबसे पहला सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है जिम जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट सिचुएटेड पे है कौन सी नदी गुजरती है जिम कॉर्बेट के पास से वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्या बात है बिना ऑप्शन जा रहे हो तुम लोग वेरी गुड जल्दी बताओ कौन सी नदी गुजरती है वहां से फंसना नहीं है सवालों में कोशी 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 और ये कामरूप अलग अलग आ रहा है याद रखो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो बहली तुम्हारी आसाम से बह रही है लेकिन कहाँ डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी के साइड से बह रही है ज्यादा नहीं जा रही है कंफ्यूज नहीं होना है हेली नेशनल पार्क किसका नाम है हेली नेशनल पार्क किसका नाम है हेली नेशनल पार्क किसका नाम है सेम कॉबेड का ही डन ओके आर्टिकल ट्वेंटी वन क्या कहता है आर्टिकल ट्वेंटी वन किसके बारे में बात करता है ग्रेट क्या 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 आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एक बच्चा कह रहा right to Education, 21, है राइट टू एजुकेशन बट वो आर्टिकल ट्वेंटी है राइट टू एजुकेशन डोमिसाइल शब्द का मतलब क्या होता है यू मीन व्हाट डू यू मीन बाय डोमिसाइल स्थानीय स्थानीय हाँ चलो इसके ऊपर बहुत केस हो चुका है वो मैं तुम लोगों से नहीं पूछूंगी तुम लोग आउट ऑफ सिलेबस है, है वो केसेस के बारे में आर्टिकल फोर्टीन ओरिजिनल निवासी ओके रेसिडेंस ठीक है आर्टिकल फोर्टीन रूल ऑफ लॉ अबाउट वॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी आफ्टर लॉ या इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ और इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ वॉट इज दैट बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ टर्म याद रखो टर्म तुम्हें डुबा देगा पहले बता रही हूँ टर्म याद रखो इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल एन आई ऑफ लॉ क्या है ये ठीक है ठीक है ठीक है कोई किसी भी अगर रिलीजन का अपना प्रचार प्रसार करना चाहता है तो किस आर्टिकल के तहत कर सकता है कोई भी अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करना चाहता है किस आर्टिकल के तहत कर सकता है फटाफट से जल्दी 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 जल्दी, जल्दी. प्रोडक्शन ऑफ लॉ गर्टिकल ट्वेंटी टाइटल किस आर्टिकल के तहत सारे टाइटल्स खत्म किए गए हैं इंक्लूडिंग कोई भी टाइटल अगर आपको दिया गया है संविधान में जितने भी टाइटल्स आपको दिए गए हैं वो टाइटल किसके तहत खत्म किए गए हैं बताइएगा अठारह बुद्धा के गुरु कौन थे बुद्ध ने बुद्धिज्म में किसको गुरु माना था बुद्ध ने बुद्धिज्म में किसको गुरु माना था सोच के जवाब देना बेटा अल्लारा 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 देखो रामानंद रामानुज जो आप नाम देख रहे हो वो कहाँ से जुड़ा है भक्ति मूवमेंट उधर जुड़ा हुआ है अशोका ने किसको गुरु माना था अरे दिव्या मैम को दिव्या मैम को तब <laughs> मैं चुड़ैल <लूं>। हूँ <laughs> है ना ढाई हजार साल से जी रही हूँ मैं अभी थोड़ी हूँ उपगुप्ता भद्र बुद्ध उपगुप्त चाणक्य अशोका ने चाणक्य को बेटा उसके पिताजी ने माना था दादाजी ने माना था चाणक्य को बुद्धिज्म जब अपनाया था तो बुद्धिज्म अपनाने से पहले किसको गुरु मान के रखा था उपागुप्ता बेटो का ना उपागुप्ता होगा बेटा वेरी गुड अशोका के दोनों बेटों का नाम बताइए जिसको श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दोनों बेटों का नाम बताइए दोनों बेटे कौन थे दोनों बेटे महेंद्रा महेंद्रा एक, एक जवाब आया है मेरे पास दूसरा संगमित्रा धर्मेंद्र अच्छा महेंद्र और संगमित्रा धर्मेंद्रा को नहीं जोड़ना है धर्मेंद्र बहुत बाद में आएंगे महेंद्र और संगमित्रा को जोड़ा गया है बहुत 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 बहुत, बहुत अच्छे स्तूपा असल में स्तूपा होता क्या है? व्हाट इज अतूपा क्या है जो कहते हो कि स्तूपा में ये पाया गया है ये बुद्धिज्म का ये स्तूपा है वो स्तूपा है स्तूपा है क्या पढ़ा से मैम टाइम आउट टाइम आउट हो गया बस थक गए जल्दी जल्दी जवाब देते हाँ सॉफ्ट यू गाइज यार आयरन है स्तूपा क्या है रिलेक्स ऑफ बुद्धा है समाधि है एक प्रकार की हाँ उनके अवशेष रखे गए हैं या किसी के कोई सामान है जो उनके तुम संजो के रखे मोटल रिमेन्स माफिक यस 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 टोम है गड हाथ सॉफ्ट टू यू गाइज सीरियसली नमस्कार बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया है मतलब मैं ऑन स्पॉट में क्वेश्चन का टॉपिक मैं चेंज करती जा रही थी मैं चेंज करती जा रही थी क्वेश्चन का टॉपिक मैं क्वेश्चन का आर्टिकल चेंज करती जा रही थी और तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी जवाब देते हुए जा रहे थे विदाउट एनी ऑप्शन विदाउट किसी चीज़ के बगैर और इतनी फास्ट टाइपिंग है तुम लोग की क्या बात है मतलब तुम लोग टाइपिंग वाला कोई भी एग्जाम आराम से निकाल लोगे ये तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ क्या बात है चलो कभी मिलोगे तुम लोग को पार्टी मेरी तरफ से ओके गाइस सो बाय टेक केयर थैंक यू मच फॉर ऑल सपोर्ट अगर आप लोग को बुक सुपर कोचिंग की बैच लेना है कोई भी बैच आप लेना चाहे सुपर कोचिंग के ऊपर जहां डिफरेंट एजुकेटर्स मिलेंगे तो आपको कोड क्या लगाना है दिव्या का कोड आपको यूज करना है ओके और अपने आपको एनरोल कर लेना है आपको सबसे मैक्सम डिस्काउंट जो है वो आपको कोड के जरिए मिल जाएंगे ओके गाइस टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोगों को नींद अच्छी आई है अब तुमने जवाब दिया अच्छा लगा ये सेशन द वे मुझे कल ही आते पार्टी अच्छा बेटा कल आप लोग की मैराथन है कल रात में आठ बजे ठीक है कल आठ बजे